यार जाना अभी तू, मेरे को पढ़ाई करने देना, तेरे को तो कोई एग्जाम देने की है नहीं, मेरे को देनी है एग्जाम, जा तू। चौप, काश तू भी टेंथ में होता और तेरी भी टेंथ की बोर्ड एग्जाम होती तो तेरे को मेरा दर्द समझ में आता। उठा दिया है, पापा रेडी होते ही होंगे, फिर उसके बाद में पापा मुझे स्कूल छोड़ेंगे। बाय बाय चिको। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे स्कूल में, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो तुम स्कूल के लास्ट डे पे स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड है? हाँ। ये भी अच्छा है। आ गई मेरी प्यारी स्कूल। कितने बजे आओ लेने को? 11 बजे आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो बाय।
वो लड़कियां लकी नहीं है जो मेरे साथ में फोटो निकाल रही थी, बल्कि मैं लकी हूँ कि मुझे उनके साथ फोटो निकालने का मौका मिला। तो बाहर का जो प्रोग्राम है वो हो गया है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर हमारे क्लासरूम में और वहाँ पे हम बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन यार स्कूल को मिस भी बहुत करेंगे क्योंकि ये दिन तो फिर से आने वाले हैं नहीं। आज हमारे स्कूल का लास्ट डे है। लॉन्ग ड्रेस पहनने के बाद में यही हाल होता है यार, जब हम लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं ना तो ऐसे ही हाल होता है। अच्छा तो मैडम, आज माझा शाळेचा लास्ट दिवस आहे, तुम्हाला काही बोलायचं आहे माझ्याबद्दल? तू इतक्या लहान वयामध्ये एवढी तू प्रगती केली आहेस, त्याच्याबद्दल तुला खूप खूप शुभेच्छा माझ्या। आणि तुला ज्याच्यामध्ये आवड आहेस त्याच्यामध्ये तू अजूनही तू पुढे प्रगती करू शकतेस, त्याच्यासाठी मला तुझ्यासाठी खूप खूप शुभकामना आहे, शुभेच्छा आहे तुझ्यासाठी। तुमचा आशीर्वाद असाच राहू द्या। अभी देखो मॅडम का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो बिंदास कावे को कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से। थैंक यू सो मच मैम। बरोबर तुला अजून दिव्या मला एवढं एक बोलायचंय की याच्या श्रेया ह्या श्रेयाच्या पाठीमाग तुझ्या आई वडिलांचा खूप मोठा वाटा आहे आणि त्याचबरोबर शिक्षकांचा तर आहेच आहे आणि तू ते असंच काम करशील पुढे चालून आणि तुला ज्याच्यात इच्छा आहे आवड आहे तेच तू काम कर। मैं मिस करूंगी अपने उन क्लास के बेंचेस को जिस पे मैं बैठा करती थी। मैं मिस करूंगी अपने स्कूल की बड़े से बिल्डिंग को जिसने मुझे बड़ा सोचना सिखाया। स्कूल के बाहर वहाँ पे सामने जाके है ना, थोड़ी ही दूर है ना, सॉफ्टी की शॉप है, हम वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाएंगे। मजा आ रहा है ना स्कूल के लास्ट डे, बहुत ज्यादा जरा एक्साइटमेंट में फुल हो रहा है। तो हम सारी लड़कियाँ जितनी मेमोरीज हम ले सकते थे उतनी मेमोरीज हम ले रहे थे, क्योंकि शायद ही बाद में कभी हम साथ में आइसक्रीम खा पाए। चलो अब मेरी तरफ से तुम दोनों को पार्टी। मम्मी पापा आप नहीं आ रहे? नहीं, अभी आज का दिन तुम्हारा है तो तुम ही जाके एंजॉय करो, जाओ। चलो 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 इधर से ही उतरो। अभी देखो हम आ गए स्माइल रेस्टोरेंट और आज का पूरा दिन हमारा है तो हम फुल एंजॉय करेंगे। तो हम है ना जहाँ पे फोटोज अच्छे आएंगे वहाँ पे बैठने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे बैठने वाले हैं। क्या खाना है बताओ बताओ? डोसा। डोसा ठीक है, तू भी डोसा ना? तीन मसाला डोसा। बूमरैंग वगैरह जितना निकालना है निकाल लो, क्योंकि इसके बाद में शायद नहीं निकालने वाले हम, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो इतना टाइम मिलेगा नहीं हमें। आज तो कोई पढ़ाई की बातें नहीं करेगा, पूरे दिन कोई नहीं कुछ बोलेगा कि ये कर बहुत एंजॉय किया हमने।
प्रांजल को और इनको अभी मैं यहाँ पे छोड़ने आई हूँ स्कूल के पास ही। इनकी वैन आएगी ना तो ये वैन से जाएंगे। चलो ए बाय तो बोलो। दीदी बेस्ट ऑफ लक। हाय 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 दीदी। हाय दीदी मी तुझा वीडियो बघितला खूप सुंदर आहे। दीदी मी तुझी फॅन आहे मोठी। थँक यू। हाय दीदी। हाय दीदी। बिंदास काव्या ने क्या कमाया? बिंदास काव्या ने इतनी सारी लड़कियों का इतना सारा प्यार कमाया। तो ये थी मेरी स्कूल शारदा मंदिर। कल हम रहे ना रहे ये स्कूल हमेशा रहेगी। और क्या पता फिर कोई बिंदास काव्या इस शारदा मंदिर में पढ़ रही होगी। लाइफ में ना बहुत कुछ कमाया लेकिन है ना आज ये बच्चों का प्यार देख के मतलब ना इसके जैसा सुकून आज तक नहीं कमाया। मुझे भी आके जब तुम उधर बिजी थे ना तो यहाँ पे आके ना मुझे भी बोल रहे थे कि आप अंकल आप हमें बहुत पसंद हो। छोटे छोटे लड़के आके ऐसा बोल रहे थे। काव्या के वैसे इतने छोटे छोटे लड़कियाँ आके अगर बोलेंगे कि अंकल आप हमें बहुत पसंद हो तो फिर जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो दिल से पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आपकी स्कूल में फेयरवेल पार्टी कैसी हुई वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।